चल तू भी थोड़ा आराम कर ले, मैं बाकी काम निपटा लेता हूँ। जी पापा। चल सो जा और फोन पे ज्यादा देर तक मत बैठना। पापा। हाँ। अच्छा आप मेरे साथ ही क्यों नहीं सो जाते? क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकते। चल आज मैं भी तेरे साथ ही सोता हूँ। पापा आपको हम लोगों की कभी याद नहीं आई? बहुत याद आई बेटा। तो आप वापस क्यों नहीं आ गए? एक बार मम्मी को वापस आ जाने दे, उसके बाद मैं तुम तीनों को साथ में बिठा के समझाऊंगा। वैसे बेटा मुझे तुमसे कुछ काम था। जी पापा बोलिए। मुझे ना कुछ पेपर्स पे तेरे सिग्नेचर चाहिए थे। ठीक है कल कर ले। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो कहावत सुनी ना, तो काम कल तक क्यों छोड़ना, अभी कर ले। ठीक है जैसा बोले। मैं पेपर्स लेके आता हूँ, तू आराम कर। हाँ बस एक बार बैरी इन पेपर्स पे साइन कर दे, उसके बाद वही होगा जो मैंने सोचा है, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ ढूंढ रहे हो? ये तो नहीं ढूंढ रहे? क्या ये? कुछ नहीं। कुछ नहीं है भाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर हैं और तुम कह रहे हो कुछ नहीं है। ओ यारा, किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी के पर्सनल फाइल पढ़ना नहीं चाहिए। खैर तूने पढ़ी लिए तो तुझे बता दूं कि ये जो जितनी प्रॉपर्टी बनाई है ना, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाई, और मेरे जाने के बाद ये बैरी के नाम पे ट्रांसफर हो गई थी। अब मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सही हकदार के नाम पे हो जाए। बस ये बात बिल्कुल सही कही भाई, प्रॉपर्टी तो उसके असली हकदार के नाम पे होनी चाहिए, पर वो असली हकदार है रविंदर बक्का। हाँ तो फिर मैं कौन हूं? वही पूछ रहा हूं मैं, कौन हो तुम? अरे मैं ही तो हूं रविंदर बग्गा, और कौन हूं? अगर तुम रविंद्र बग्गा होते ना तो प्रॉपर्टी शक्ति के नाम नहीं करते। इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी शक्ति के नाम हो रही है। यार आप, मैं अपने बीवी बच्चों को सिक्योर करना चाहता हूँ, शक्ति से बचाना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रॉपर्टी शक्ति के नाम कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उन्हें बचाने का। तो मेरे पास भी ना और कोई रास्ता नहीं है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, 10 डंडे पड़ेंगे तुम्हें, सारा सच उगलोगे तुम। रुक जाओ अब बहुत हो गया, समझ गए? अरे यार आप, एक मिनट, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सच जानना चाहता है ना तू? मैं बताता हूं तुझे सच। क्या है सच? सच यह है कि मैं रविंदर बग्गा नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे? शक्ति, शक्ति ने भेजा है मुझे। मैं रविंदर बग्गा का डुप्लीकेट हूं, उसी ने मुझे रविंदर के सारे हाव भाव सिखाए ताकि दलजीत मुझे अपना पति समझने लगे और बच्चे मुझे अपने पापा समझने लगे। मैं जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, शक्ति ने किया ये सब, और दलजीत जी का एक्सीडेंट वो भी उसी ने करवाया। नहीं, एक्सीडेंट शक्ति ने नहीं करवाया, उनका एक्सीडेंट अपने आप हुआ है। एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टी शक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा से तुम लोग की जिंदगी से जाने ही वाला हूँ। हाँ बहुत बढ़िया आदमी है तुम ये सब क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें क्या मिल रहा? कुछ तो मिल रहा होगा ना? हाँ, शक्ति ने मुझे इस काम के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। न्याय थी, घटिया आदमी हो, मैं पैसे के लिए कुछ भी करोगे तुम। अब ना 10 साल के लिए तुम अंदर जाओगे, समझे? 10 लाख रुपए चाहिए ना, रुक जा। एक मिनट रुक जाओ, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया ना। देखो वैसे भी मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो पैसे के लिए कर रहा था, और शक्ति ने मुझे अपने बातों में फंसा दिया। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों की जिंदगी से अभी चला जाता हूँ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारे बच्चों को देख के लगता ही नहीं है कि ये दोनों सगे भाई नहीं है। हमारे भाई तुम डिसाइड कर लो हैं, तुम कौन हो, तुम डुप्लीकेट हो कि तुम असली वाले, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। हाँ मैं डुप्लीकेट ही हूँ, वो शक्ति ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी है ना कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे दी, कुछ ज्यादा ही अच्छी। ओ यार इतनी खुशी की बात है तो हो जाए थोड़ी लिटिल लिटिल। अरे यार इतना खुशी का मौका है, हो जाएगा लिटिल 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 लिटिल। अरे आंटी मेरा मतलब है कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी। चलो फिर कोल्ड कॉफी। क्या चक्कर है भाई है? ये बैरी तुम्हारी भाषा कैसे बोल रहा है, उसे कैसे पता है लिटिल लिटिल? क्या हो रहा है बताओगे, क्या हो रहा है, तुम कौन हो, क्या चक्कर है, क्या? ट्रेनिंग एकदम सही हो रखी है मेरी, और कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। भाभी मेरी भाभी, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है भाभी आपका, और ठीक होने के बाद आप एकदम घोड़ी की तरह दौड़ोगी। आप कितनी अच्छी लग रही है वहां पे ऐसे चुपचाप लेटी हुई। भगवान करे आप हमेशा ऐसी ही लेटी रहो, क्योंकि आप सांप सीढ़ी गेम की वो वाली सांप हो जो मुझे हमेशा 99 पे से डस लेती हो। लेकिन 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 मैं भी कम नहीं हूं यार, इस बार मैं भी ना से टक 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 100 पे पहुंच के रहूंगा, वरना सांप सीढ़ी का गेम बुरा मान जाएगा। अभी आपको पता है जब तक आपको होश आएगा ना तब तक आपके होश उड़ाने के लिए सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी होगी, और प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके पास से आपकी एक बहुत कीमती चीज बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर से नागिन के उस सपोले को क्या हुआ? कमाल है, सेलिब्रेट करना चाहिए एंड यू आर सैड। थैंक्स बेरी, अगर आज तू और रिश नहीं आते तो। कैसे नहीं आते, रिशु ने ना मुझे सब बता दिया था, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था ना। थे, हम बेस्ट फ्रेंड है बेरी। आज मुझे फिर से ऐसा लगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आ गया, तो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट था। था? हूँ, पुराना तो सब कुछ भूल चुका हूँ, पर अब हम नई मेमोरीज बनाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.